तो गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है इस वीडियो सीरीज का, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इन्हीं चीजों पे बात कर रहे थे ना। आपको कोई ऐसे दो टॉपिक्स जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया, ऐसे ही हमने एक और टॉपिक उठा लिया सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेक श्योर करूंगा इस वीडियो में कि इस वीडियो के बाद आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? जो भी हमको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होती थी ना कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैं अपनी ट्राई करूंगा इस वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर सकूं, ठीक है? तो आपने एक चीज करनी है, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखनी है, जब तक खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है? प्रॉमिस करता हूँ सारे के सारे कंसेप्ट आपके वहां पर खत्म हो जाएंगे। तो यार वही, इससे पहले कि हम लोग अपनी जो वीडियो है, अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें, आपके लिए फिर से मैं एक बार वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जरा देखिए इस चीज को। तो यार इससे एग्जाम टाइम पर मेरे बच्चों आप सभी के कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का मौका बच्चों आप सबके पास है। अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लेके आई है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इसके तहत क्लास 6th से लेकर क्लास 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और साइंस के अपने सभी डाउट्स अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। बच्चों इस फीचर को आप कैसे अवेल कर सकते हैं उसका तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोगों ने बस अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और इसके बाद इस एप्लीकेशन पे जब आप रजिस्टर कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो उसके बाद आप लोग अपना गोल सेलेक्ट करते हो कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बेटा आप लोग अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके? जब इतना आप लोग कर लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जो आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एक फीचर ढूंढेंगे आस्क अ डाउट। इसके प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आप लोग को ये आस्क अ डाउट फीचर दिख जाएगा। देखिए हमने ऊपर स्क्रॉल किया और ये आस्क अ डाउट पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर एक रेफरल कोड आपसे पूछ रहा है दोस्तों, जो कि हमारा जो रेफरल कोड है वो है ACLIVE। इस रेफरल कोड को यूज़ करके मेरे दोस्तों आप लोग इस फीचर को अनलॉक कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने के बाद बच्चे आस्क अ डाउट पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। मैं यहाँ से टेक अ पिक्चर पर क्लिक करके दोस्तों अपने क्वेश्चन की जो हमारी बुक है उससे फोटो क्लिक कर लेता हूँ, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका है बच्चों उसका जो सेलेक्टेड पोर्शन है उसको क्रॉप कर लीजिए। जब आप उसको क्रॉप कर लेंगे बच्चों तो ये आप अनअकैडमी पे सेंड कर दीजिए। बच्चों देखिए इसको हम सही से क्रॉप कर लेते हैं, और क्रॉप करने के बाद बच्चों हमने ये फोटो सेंड कर दी है, और इसके कुछ ही देर के बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को अनअकैडमी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भेज दिया करते हैं। तो क्लास 6th से लेकर क्लास 12th तक के सभी स्टूडेंट इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। मैथ्स और साइंस में जो भी डाउट्स हो बच्चों तो आप अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। इस फीचर पे डायरेक्ट जाने के लिए जो बच्चों जो लिंक होगा वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और याद रखिए जो हमारे न्यू यूजर होंगे उनको बेटा ये फीचर पहले अनलॉक करना पड़ेगा, और उसके लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ACLIVE। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। याद होगा ना बचपन में हम लोग मैग्नेट से खेला करते थे, है ना, कि अब क्या करते थे, दोनों मैग्नेट्स को ऐसे पास पास लाते थे और वो दोनों चिपक जाते थे। डिपेंड करता था उनके पोल पे, ऑब्वियसली अगर पोल अपोजिट है तो चिपक जाते थे, अगर पोल अपोजिट नहीं है लाइक पोल्स हैं तो वो चिपक नहीं पाते थे, वो रिपेल करते थे एक दूसरे से। ऐसा होता क्यों था? क्योंकि हमारा जो एक मैग्नेट होता है ना उसके चारों ओर क्या चीज होती है ना, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर उसकी ताकत का असर होता है, ठीक है, सूर्य की ताकत का असर उसके इलाके तक, है ना। तो वही चीज मैग्नेट की जो ताकत है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो क्या चीज होती है, वो ऐसे ऐसे कुछ बनती है ना, हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, याद होगा आप लोगों को, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना, जिस एरिया में एक मैग्नेट काम कर सकता है उस एरिया को पूरा मिला के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट है इसको एक बार सोच के देखो इलेक्ट्रिक चार्ज में। जहां पे मैंने अभी मैग्नेट लिया है वहां पे मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसिडर करूंगा, ठीक है सर। सपोज कर लेते हैं ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक्चुअली में क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं। अब होता क्या है ना, कुछ एक एरिया ऐसा होता है जहां पर इस क्यू चार्ज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पर इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और ये जो एरिया है इसको क्या नाम दिया जाता है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक
फील्ड, जिस प्रकार से एक मैग्नेट के आसपास जो एरिया होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। डेफिनेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है ना, अब ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समझ रहे हो चीजों को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपको वर्क डन पता होगा ना, जब भी कहीं पे क्या चीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होती है, जहां पर भी हम लोग फोर्स लगाते हैं एंड वहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे देखने को मिलती है तो सर वर्क डन हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलती या फिर फोर्स नहीं हो रही है तो वहां पर वर्क डन नहीं हो रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये टोटल डिपेंड करता है हमारे वर्क डन पे। कैसे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। सर देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये वर्क डन के कंसेप्ट की मैं क्या बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं वर्क डन से क्यों रिलेट कर रहा था, एक बार उस चीज को समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये रहा मेरा एक इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब यार जो चीज डेफिनेट नहीं है, है ना, जहां की डिस्टेंस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हाँ यार यहाँ 5 मीटर 10 मीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, उसकी डिस्टेंस नहीं पता, वो काफी ज्यादा दूर है, हमने जस्ट एक इमेजिनेशन करी है, ठीक है। तो इमेजिनेशन हमने ये करी है, इन्फिनिटी पे मेरा एक चार्ज रखा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे मेरा एक चार्ज रखा है 1 यूनिट का, ठीक है। यूनिट का मतलब वैसे अपने आप में ही 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट चार्ज वहां पर रखा है, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज वहां पर रखा है, ठीक है सर। तो 1 कूलम से आप लोगों ने क्या समझ जाना, यूनिट, जहां भी फिजिक्स में केमिस्ट्री में जहां भी आपको यूनिट वर्ड दिखता है ना, यूनिट वर्ड का मतलब ही 1 होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे मैंने एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है। मैं आपके लिए और सिंपल चीज लिख देता हूँ, यूनिट चार्ज लिख देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है जी। तो इन्फिनिटी पे एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिंपल सा एक काम करना है, उस चार्ज को उठा के इस पॉइंट पर लेके आना है, उस चार्ज को उठा के ए पॉइंट पर लेके आना है, ठीक है जी, समझ आया। मुझे इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठाकर ए पॉइंट तक लेके आना है, समझे चीजों को। अब देखो यहां पर होगा क्या, अगर मुझको इस चार्ज को यहां से उठाना है, फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना जी। डिस्प्लेसमेंट जहां देखने को मिल गया वहां पे मेरा वर्क डन हो गया। तो ये जो वर्क डन हुआ है ना, ये जो वर्क डन हुआ है इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को उठा के किसी एक ए पॉइंट पे लाने का, एक किसी फिक्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो सकता है आपको अभी भी ना समझ आया हो, मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूं यार आपको समझाने की। देखो क्या चीज है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, उसमें कोई पॉइंट था ए, मुझे क्या काम करना था, इन्फिनिटी में कोई यूनिट चार्ज बैठा है, यूनिट का मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, इन्फिनिटी में कोई 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज बैठा है, मुझे क्या करना है, उस चार्ज को उठा के लाना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पटक देना है, ठीक है। तो भाई अगर मैं किसी चीज को उठा के लाऊंगा और कहीं पे पटकूंगा तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, और उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है यानी कि उसकी पोजीशन डिस्प्लेस हो रही है, तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या चीज बता देंगे, भाई वर्क हो रहा है। अगर मैं इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा हूँ तो सर वहां पर एक वर्क डन हो रहा है, ठीक है, और वो जो वर्क डन हो रहा है ना उसी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है सर। सिमिलरली एक और पॉइंट बना देते हैं बी, ठीक है, ये यूनिट चार्ज है, एक और यूनिट चार्ज ले लेते हैं हम लोग, एक सिमिलर सा यूनिट चार्ज है, ठीक है। पहले केस में हमने यूनिट चार्ज को ए पॉइंट पे भेज दिया, ए पोजीशन पे भेज दिया, दूसरे केस में यूनिट चार्ज को हम लोग बी पे भेजेंगे, ये सेम यूनिट चार्ज है, बस केस अलग अलग है, ठीक है। अब दूसरे केस में हमने क्या करा, इस यूनिट चार्ज को हमने बी पॉइंट तक भेज दिया, ठीक है। तो क्या यहां पर भी वर्क डन हुआ, जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों केसेस एकदम सेम है। हो क्या रहा है यार, देखो हो क्या रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट चार्ज है इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी से उठा के यूनिट चार्ज को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। वो काम करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी मुझे देखने को मिल रहा है, इसलिए वहां पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है, और उसी वर्क डन को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपने सीधा सीधा उनको जवाब दे देना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
क्या चीज बोलनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना अमाउंट ऑफ वर्क है जितना अमाउंट ऑफ वर्क मुझे इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज उठाकर किसी एक पॉइंट पे पटकने में लग रहा है, ठीक है, और वो पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम लोग बात करते हैं डिनोशंस की, तो सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको V से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, वर्क डन को W से ही किया जाएगा, एंड Q का मतलब होता है चार्ज, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि पर चार्ज लिख देते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन में कहता है वन चार्ज, अगर मैं बोलता हूं दो चार्ज को उठा के लाया गया है, बट डेफिनेशन में क्या है, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो मैं उसको दो से मल्टीवाइड कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। इस चीज को हमने अपने जहन में बिठा लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। मैं होप कर रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, एक देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक वर्क डन है और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक वर्क डन है, ठीक है। जहां पे पोटेंशियल आ गया उसका मतलब क्या है, वहां पर वर्क डन हो रहा है। अब इन दोनों वर्क डन के बीच में ना एक हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में क्या हो रहा है, जो वर्क डन है वो इन्फिनिटी से ए पॉइंट में लाने में हो रहा है एंड इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाने पे हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से हमारा जो यूनिट चार्ज है उसको उठा के लाया गया है ए पॉइंट पे, एंड दूसरे केस में इन्फिनिटी से उठा के लाया गया है बी पॉइंट पे, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस की, तो सिनेरियो कुछ इस तरह बदल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस में कि अब इन्फिनिटी का सीन खत्म हो जाता है, ठीक है जी। इन्फिनिटी का जो है वो सीन खत्म हो जाता है, अब मुझको क्या करना है, मुझको एक यूनिट चार्ज को, जो कि ये था, एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट में जाके पटक देना है। समझ आई चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो समझ में आया दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो रहा था यार, देखो सेम यूनिट चार्ज है, हर जगह यूनिट चार्ज है, और उसको हमें किसी ना किसी पॉइंट में लाके पटक देना है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब बस मैटर ये चीज करती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले केस में हम लोग उस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। सिंपल है, ठीक है, सिर्फ इतना सा लॉजिक है। इसी चीज को हमने समझना है और इसी चीज पे हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आना। अब यहां पर इन्फिनिटी का गेम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको दोनों के फॉर्मूले दिखा देता हूं और उसकी वजह से समझा देता हूं कि क्या चीज कैसे डिफरेंशिएट हो रही है। देखिए सर एक बार फिर से देख लीजिए, एक पॉइंट था मेरे पास ए पॉइंट, एक पॉइंट था मेरे पास बी, ठीक है ना। तो अब देखो दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये रहा मेरा इन्फिनिटी और ये रहा मेरा वो यूनिट चार्ज, ठीक है सर। अब देखो हम पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट से मतलब क्या है मेरा वी ए, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट से मेरा मतलब क्या है वी बी, ठीक है। तो वी ए यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या है, मैंने इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज उठाया, उसको उठा के ले आया मैं ए पॉइंट के अंदर, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाता हूं और लेके आ जाता हूं अगर बी पॉइंट की तरफ, तो उसको क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट, ठीक है। सिंपल सा केस है सर, बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है। अब ये जो वी ए है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन अपॉन में क्यू। वी बी है जो, उसकी वैल्यू भी वर्क डन अपॉन में क्यू। यहां पर जो वर्क डन है, यहां पर जो वर्क डन है वो यूनिट चार्ज को ए तक लेके आने में जो किया जा रहा है वो वाला वर्क डन है, यहां जो वर्क डन है वो बी तक ले जाने में जो किया जा रहा है वो वाला काम है, वो वाला वर्क है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना। पर जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो क्या चीज हो रही है ना, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। अब जो मेरा यूनिट चार्ज है वो यहां से उठ के यहां जा रहा है, या तो फिर यहां से उठ के यहां आ रहा है,
ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पर आ रहा है या फिर बी पॉइंट से ए पर आ रहा है। अब मुझे इन्फिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, अब जो मेरा वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, उसको मैं क्या कहता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका भी सेम सीन है सर, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पर जो वर्क डन है वो वर्क डन कौन सा है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वाला। ठीक है, अब इन्फिनिटी वाला चक्कर खत्म हो गया। प्लस साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए, और वी बी क्या है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। ठीक है सर, मैं होप कर रहा हूं आप लोगों को समझ आया होगा। देखो सिंपल सा केस है, एक लास्ट ट्राई समझ आ जाएगा, इस बारी तो पक्का आ जाएगा, है ना। देखो एक इन्फिनिटी पे है यूनिट चार्ज मेरा, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, मैंने एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया और ए पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, तो जितना भी वर्क डन हुआ है ना, उस वर्क डन को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बोलूंगा। उसी यूनिट चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से उठाया और बी पॉइंट पर रख दिया, तो जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। पर अलग केस में अगर मैं यूनिट चार्ज को बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट में रख देता हूं तो उसको मैं क्या नाम दूंगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ए पॉइंट से उठाकर बी पर रख देता हूं तो मैं उसको क्या नाम दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो था, ये था हमारा बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों टॉपिक्स के बीच में। ठीक है, बिल्कुल भी हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, एक में इन्फिनिटी को इन्वॉल्व करना है और पोटेंशियल डिफरेंस में इन्फिनिटी को नहीं, सिर्फ दो पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना है। ठीक है सर, बहुत सिंपल सा लॉजिक था। और भी जो भी टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो, बहुत जल्दी बैक टू बैक वीडियोज आपको मिलती जाएंगी, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। और बहुत ज्यादा जल्दी न्यूमेरिकल सीरीज भी आपके लिए लॉन्च होने वाली है, तो आप बता सकते हो सबसे पहले कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करने में इंटरेस्ट है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।